जय हिंद विद्यार्थियों आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है आइए विद्यार्थियों आज हम रियासतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक नई रियासत हम आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए वह है सिंधिया रियासत इसके पहले हम चार रियासतें कर चुके हैं केवल दो रियासतें आपकी शेष बची हैं सिंधिया रियासत और बुंदेलखंड की रियासतें रियासतें कंप्लीट होने के पश्चात विद्यार्थियों हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश भी पढ़ेंगे जैसे कि परमार चंदेल आपके साथ ही यदि बात की जाए यहाँ पे फारूखी वंश तो ऐसे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख वंशों ने शासन किया इन वंशों को हम अध्ययन करने वाले हैं आगामी कुछ समय में जैसे ही हमारी रियासतें कंप्लीट होने वाली हैं इसके बाद जो है आपका आंदोलन पर भी हम बात करेंगे और स्वाधीनता संग्रामी और प्रमुख व्यक्तित्व पर भी हम एक लेक्चर लेकर आएंगे चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी पटवारी एग्जाम भी निकटतम है साथ ही उसके बाद पीएससी एस भी है दोनों पर आपको अभी वर्तमान पर फोकस करना है पटवारी जो है उस पर भी आपके मध्य प्रदेश के प्रश्न पूछे जाने हैं जिसमें आपकी रियासतों से भी प्रश्न आ सकते हैं इसलिए विद्यार्थियों इसको ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी में जुट जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं अन अकेडमी के द्वारा आपको अभी विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं 28 तारीख तक अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ड्रॉप ड्रॉपडाउन तो देखने मिलेगा ही मिलेगा लगभग बीस प्रतिशत का यहाँ पर प्राइस ड्रॉपडाउन है साथ ही यदि एक और चीज समझिएगा कि यहाँ पर फ्री तीन मंथ एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है तो याद रखिएगा विद्यार्थियों यहाँ पर आपको जो है केवल 28 तारीख तक यह ऑफर वैलिड है इसमें आपको एक साल के सब्सक्रिप्शन में तीन महीने एक्सटेंशन भी मिल रहा है तो याद रखिएगा यदि आप आइकॉनिक और प्लस का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तीन महीने एक्सटेंशन मिलेगा साथ ही आप मेरा प्रोमो कोड एस टेन का प्रयोग कर सकते हैं एस टेन का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अब साथ ही यदि हम बात करते हैं कि पी के साथ साथ एम और व्यापम के जो कोर्सेस हैं इस पर भी प्राइस अभी वर्तमान पे आपको ड्रॉप डाउन देखने मिलेगा 20 प्रतिशत का और वही तीन महीने जो है यहाँ पर एक्सटेंशन है और तो और आप मेरा प्रोमो कोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एस साथ ही यदि हम बात करते हैं अभी पी के लिए रैपिड रिविज़न बैच स्टार्ट है इसकी जो प्राइस इसका भी प्राइस जो है अभी ड्रॉप डाउन चल रहा है यदि आप मेरा प्रोमो कोड एस टेन का प्रयोग करते हैं साथ ही यदि पटवारी पर टारगेटेड बैच मात्र साढ़े सात सौ रुपए में है याद रखिएगा मात्र साढ़े सात सौ में पटवारी आपका टारगेटेड बैच है इसपे भी आप मेरा प्रो, मेरा प्रोमो कोड एस टेन का प्रयोग कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और समझते हैं आज की हम रियासत पर आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे सिंधिया रियासत और सबसे पहले हम सिंधिया रियासत पर थोड़ा सा परिचय देखेंगे परिचय देखने के पश्चात फिर हम प्रमुख शासकों पर यहाँ पर बात करेंगे प्रमुख शासक के बाद हम स्थापत्य कला जो सिंधिया वंश के द्वारा स्थापित कराई गई उस पर भी चर्चा करने वाले हैं चलिए तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले परिचय समझते हैं अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों की सिंधिया रियासत कहाँ पर थी आप सभी को पता है तो प्रारंभ में इनका केंद्र उज्जैन हुआ करता था याद रखिएगा प्रारंभ में इनका केंद्र कहाँ हुआ करता था उज्जैन हुआ करता था और उज्जैन से फिर जो है इनका केंद्र ग्वालियर हुआ अब याद रखिएगा उज्जैन में तो बहुत सारे वंशों ने शासन किया है अगर आप प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है चंड प्रणोद के द्वारा प्रणोद वंश की स्थापना भी की गई थी उज्जैन और मालवा वाला क्षेत्र जो है और साथ ही ये ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है यह है। मौर्यों के अधीन भी रहा गुप्त वंश के अधीन भी रहा शुंग वंश के अधीन भी रहा तो इस प्रकार से जितने प्राचीन वंश हुए हैं उस पर भी उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया है साथ ही यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार अब किस प्रकार अब सिंधिया वंश की स्थापना होने वाली है उस पर चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा हुआ ये कि एक युद्ध हुआ जिसका नाम है अमझेरा युद्ध याद रखिएगा कौन सा युद्ध अमझेरा युद्ध अमझेरा युद्ध जो था अमझेरा युद्ध के पश्चात जो मालवा क्षेत्र था याद रखिएगा जो मालवा क्षेत्र है उस मालवा क्षेत्र पर मराठाओं का अधिकार हो चुका था मराठा का यहां पर अधिकार हो चुका है ठीक है तो अब मराठाओं का अधिकार हो गया है और मराठाओं का दो महत्वपूर्ण कर हैं यानी कि दो इनके महत्वपूर्ण टैक्स हुआ करते थे उस समय पर जिसे हम कहते हैं सरदेशमुख सरदेशमुख और दूसरा था आपका टैक्स चौथ तो सरदेशमुख और चौथ कर वसूलने के लिए अब यहां पर प्रमुख प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी तो सबसे पहले समझते हैं कि मालवा पर दो यहां पर प्रशासक नियुक्त किए गए पहले प्रशासक नियुक्त किए गए आपके इंदौर क्षेत्र में इंदौर क्षेत्र में स्थापित हुए दूसरे प्रशासक इन्होंने मराठाओं ने यानी कि आपके देखा जाए पेशवाओं ने यहाँ पर नियुक्त किया उज्जैन क्षेत्र पर अब यहाँ पर वास्तव में इनको स्थापित किस लिए किया गया था सरदेशमुख और कर वसूलने के लिए किया गया था इंदौर में जो है नियुक्त किया गया यहाँ पर होलकरों को होलकरों को किया गया होलकर में यहां पर संस्थापक होते हैं आपके मल्हार राव होलकर मल्हार राव होलकर जो है यह यहाँ पर क्या हुए बेटा प्रमुख संस्थापक हुए अब दूसरी बात करते हैं उज्जैन में किसकी नियुक्ति की गई तो यहाँ पर उज्जैन में सिंधिया या सिंधे भी हम कह सकते हैं इनको सिंधिया वंश या सिंधे वंश जो है वो स्थापित हुआ कहाँ उज्जैन में और यहाँ पर राणू जी सिंधे को स्थापित किया गया याद रखिएगा राणू जी सिंधे जो हैं इनको यहां पर स्थापित किया गया किस चीज के लिए एक प्रकार से सनद दी गई किस चीज के लिए सरदेशमुख और चौथ कर वसूल करके आपके मराठा साम्राज्य में पहुंचाने के लिए इनको किया गया था चलिए बिल्कुल प्लेलिस्ट बना लेंगे उस पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जितनी हम रियासत पढ़ने वाले हैं चलिए पेपर थ्री देखते हैं बिल्कुल आगे हो सकेगा तो पेपर थ्री भी लेकर आएंगे आप सभी के लिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग जय हिंद चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमने यहां पर देखा कि उज्जैन में जो है सिंधिया वंश को स्थापित किया गया है राणू जी सिंधे को यहां पर सनद प्राप्त हुई है किसके समय पर मराठाओं के शासन काल में यानी कि पेशवाओं के शासन काल में साथ ही इनको सरदेशमुख और चौथ कर वसूलने के लिए यहां पर अपॉइंट किया गया किसके बाद में अमझेरा युद्ध के बाद मालवांबर यहां पर स्थापित किए गए दो वंश जिस पर होलकर वंश पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं आप जो है जाकर के वहां भी देख सकते हैं आपके होलकर वंश के बारे में चलिए तो अब यहां पर कुछ और चीजें समझ लेते हैं कि ये राणू सिंधे जो है यह सबसे पहले मराठाओं में यह देखेगा राणोजी सिंधे जो थे ये मराठाओं के यहां पर सबसे पहले पागा के अधिकारी बनते हैं पागा के अधिकारी नियुक्त होते हैं बाद में जाकर के इनको क्या मिलने वाला है उज्जैन की सनद मिलने वाली है उज्जैन की सनद मिलेगी टैक्स वसूल करने के लिए और ये अपनी राजधानी भी किसको बनाएंगे याद रखिएगा ये अपनी राजधानी किसको बनाने वाले हैं यह राजधानी बनाएंगे उज्जैन को ही और यह उज्जैन राजधानी 1733 से लेकर के याद रखिएगा 1733 से लेकर के 1810 तक दौलतराव सिंधे तक यह राजधानी कहाँ रहने वाली है उज्जैन और दौलतराव सिंधे 1810 में इसकी यहाँ की राजधानी जो है वह ग्वालियर लेकर जाएंगे याद रखिएगा ग्वालियर राजधानी किसने की थी दौलतराव सिंधे ने 1810 में अब इन्होंने राजधानी कब बनाया था 1710 में अपनी राजधानी राणोजी सिंधे ने बनाया था ठीक है अब वास्तव में किस वंश के थे इन पर भी बात कर लेते हैं तो वंश की यदि हम बात करते हैं तो यह पवार पवार थे वास्तव में और कहा के पवार हैं ये कन्हेर खेड़ा के कन्हेर खेड़ा जो कि आपके सतारा में है सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर कन्हेर खेड़ा के पवार थे जिनको जो है यहां पर नियुक्त किया गया था और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि राणू सिंधे जब बनते तो उन्होंने राजधानी अपनी किसको बनाया उज्जैन को बनाया साथ ही इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है महाकाल मंदिर जो है उस महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था ठीक है

वह रूप किसने दिया था तो वो किसने दिया था राणोजी सिंधे ने और उस पर फिर से जीर्णोद्धार कौन करवाने वाली है बाईजा बाई करवाने वाली है आगे हम समझेंगे जब वो रीजेंट नियुक्त हुई थी ठीक है तो यहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कहानी अभी क्लियर हो रही होगी कि राणोजी सिंधे सबसे पहले पागा के अधिकारी बनेंगे उज्जैन को अपनी राजधानी बनाएंगे ये वास्तव में पवार थे कहां के कनारखेड़ा सतारा के पवार थे जो कि उज्जैन में आकर के स्थापित हुए इन्होंने महाकाल मंदिर का जीर्ण उद्धार करवाया था चलिए तो और भी कुछ इसमें बातें कर लेते हैं अपन हमने अभी अभी तक ये बातें देखी हैं कि सबसे पहले संस्थापक कौन हुए राणोजी सिंधे हुए ये खेड़ा के पाटिल या आपके पवार जो है एक प्रकार से देखा जाए उस वंश के थे साथ ही यदि हम बात करते हैं कि राणोजी सिंधे ने अपना केंद्र किसको बनाया था उज्जैन को बनाया था और तो और इनको जो है आगे जाकर के आपके निमाड़ मांडवगढ़ की सनद भी प्राप्त हो गई थी साथ ही यदि हमने देखा कि इनकी जो अगर देखते हैं कहाँ इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था तो ग्वालियर उसके आसपास जो क्षेत्र है इनका विस्तार ज्यादातर वहां पर देखने को मिलता है अब अगली बात कर लेते हैं इसमें प्रमुख शासक सबसे पहले हम राणोजी सिंधे पढ़ेंगे आई एम पी आई एम पी जितने शासक हैं उन पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं जहां से प्रश्न ज्यादा पूछने की संभावनाएं हैं तो यह है प्रमुख शासक जो है जिनको हमें आगे जाकर के पढ़ना है विद्यार्थियों चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राणू जी सिंधे के बारे में तो हमने बात कर चुके हैं कि राणू जी सिंधे जो है आपके कन्हारखेड़ा के सत, ए, सतारा के थे ठीक है साथ ही यदि दे दे देखा जाए पाटिल परिवार के थे इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था उज्जैन को इसको अपनी राजधानी बनाया था प्रारंभ में यह पागा के अधिकारी हुआ करते थे इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं साथ ही इन्होंने जो है महाकाल मंदिर जो है महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और एक और महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने जो है जो सेहस्त है सिस्त बीच में बंद हो गया था जो है 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 आपको पता है कि जो जो एक प्रकार से कुंभ पर आयोजित होता उज्जैन में आयोजित किया जाता है कौन सी नदी के तट पर छिप्रा नदी के तट पर तो इसे फिर से चालू कराने का श्रेय भी किसे जाता है वो जाता है हमारे राणोजी सिंधे को ठीक है तो राणुजी सिंधे ने फिर से जो है सिंह जो है इसको प्रारंभ करवाया था बीच में कुछ समय के लिए है, बंद हो गया था आगे बढ़ते हैं अब इनके पश्चात कुछ प्रमात्वपूर्ण शासक बनने वाले हैं जैसे जंपाजी राव सिंधे। जंपाजी राव राव सिंधे सिंधे जो जो थे यह इनके पुत्र हुए लेकिन उनका जो है ना कुछ कुछ समय पश्चात एक युद्ध होता है नागौर के विजय सिंह के साथ में युद्ध होता है और षडयंत्र से बाद में वो इनकी हत्या कर देते हैं उनके बाद फिर शासक बनने वाले हैं दत्ताजी सिंधे दत्ताजी सिंधे भी एक, एक युद्ध होगा और यहाँ पे शुक्रताल के युद्ध में ये भी मारे जाने वाले हैं उनके पश्चात फिर शासक बनने वाले हैं जनकोजी जी सिंधे और जनकोजी जी सिंधे का भी देहांत हो जाएगा पानी पतकृत युद्ध में ठीक है इतने महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ से कोई भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा लेकिन जनरली हम कहानी समझ लेते हैं कि सबसे पहले जंपाजी सिंधे जो है राणोजी सिंधे के पुत्र हुए तो याद रखिएगा राणू जी सिंधे के क्या थे ये ज्येष्ठ पुत्र हुए तो उनके बाद ये शासक बनने वाले हैं लेकिन जो है विजय सिंह इनकी जो है हत्या कर देंगे हत्या होने के पश्चात इनके जो भाई हैं याद रखिएगा इनके भाई यानी कि कौन दत्ताजी सिंधे अब अगले शासक बनेंगे लेकिन उनका भी देहांत हो जाएगा सुक्रताल के युद्ध में अब उनके बाद कौन शासक बनेंगे तो जंपा जी के ही जो पुत्र हैं याद रखिएगा चंपा जी के जो पुत्र हैं वो अब अगले शासक बनने वाले हैं तो जंपा जी जो है इनके ही जो पुत्र हैं वो अब अगले शासक यहाँ पर बनेंगे विद्यार्थी अच्छे से याद रखिएगा तो इनके जो है पुत्र जो है वो अब अगले शासक बनने वाले हैं तो इनके ही पुत्र जो है अब अगले शासक बनेंगे लेकिन उसी समय पानीपत का युद्ध होता है ठीक है पानीपत का जो है पानीपत का तृति युद्ध होता है तृति युद्ध किसके साथ हुआ था सभी को पता है यहां पर कि अहमद शाह अबदाली अहमद शाह अब्दाली के साथ और साथ में वर्सेस यहां पर मराठा थे मराठाओं का नेतृत्व यहां पर कर रहे थे सदाशिव भाऊ तो सदाशिव भाऊ जो है मराठा की तरफ से लड़ रहे थे अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था उसी युद्ध में जो है जनको जी सिंधे तो याद रखिएगा जनको जी सिंधे का देहांत किस में हो गया था पानीपत के तत् युद्ध में हो गया अब कौन शासक बने तो अब अगले शासक बनाए जाते हैं महादजी सिंधे अब महाजी से इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो अब अगले शासक कौन बन गए बेटा यहां पर महाजी सिंधे अब अगले शासक बन चुके हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने सबसे पहले फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के मराठा राजपूतों को राजपूतों को और मुगलों को पराजित किया था और अपने अधीन भी लेकर आए थे तो जो मुगल हैं कुछ समय के लिए इनके अधीन रहे थे साथ ही जो है राजपूत भी इनके आधीन शासन करते थे और इनको टैक्स दिया करते थे तो फ्रांसीसियों की सहायता से इन्होंने मुगलों को भी पराजित किया था और साथ ही राजपूतों को भी पराजित किया और अपने अधीन लिया था महाजी सिंधे के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बात कर लेते हैं तो महाजी सिंधे जो हैं महाजी सिंधे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि महाजी सिंधे जो है इनको सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक जो है किसे कहा जाता है महाजी सिंधे को कहा जाता है अब इनके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी थे इनको भी समझ लेते हैं सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो महाथ सिंधे ने जो है आपके मुगलों को पराजित किया था और मुगलों के साथ साथ इन्होंने राजपूतों को भी पराजित किया था किसकी सहायता से फ्रांसीसी की सहायता से तो फ्रांसीसियों की सहायता से इन्होंने पराजित किया साथ ही अब होलकरों के साथ भी इनका एक युद्ध होने वाला है और होलकर वंश के उस समय शासक हुआ करते थे तुकोजी तुको राव होलकर प्रथम राव होलकर प्रथम इस युद्ध में तुकोजी राव होलकर जो है वो पराजित हो जाते हैं इस युद्ध में जो है तुकोजी राव होलकर पराजित हो जाते हैं लेकिन इस विजय को बात है पर महाजी सिंधे विजय हुए हैं ठीक है इस इस युद्ध को कहा जाता है आपका लखेरी युद्ध लखेरी युद्ध अब लखेरी युद्ध में विजित कौन हुए हैं यहां पर विजय हुई है महाजी सिंधे की विजय होने के बाद भी इन्होंने जो है इसी दिन को जिस दिन ये विजय हुए थे उस दिन को इन्होंने शोक दिवस मनाया था तो याद रखिएगा लखेरी युद्ध के दिन जो है इन्होंने क्या मनाया था शोक दिवस के रूप में दिवस के रूप में इन्होंने इस दिन को मनाया था तो याद रखिएगा शोक दिवस के रूप में इसको मनाने वाले हैं कौन महादी सिंधे विजय होने के पश्चात भी ठीक है तो यहां पर यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको कि महाजी सिंधे ने राजपूतों को पराजित किया था मुगलों को पराजित किया अपने अधीन लेकर आए साथ ही इनका एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है किसके साथ में आपके तुकोजी राव होलकर के साथ में जिसको पराजित करेंगे लखेरी का युद्ध और उसमें उसके बाद उसे वह शोक दिवस भी कहेंगे अब एक और भी बात समझ लीजिए इनका एक उपनाम भी है इनको उपाधि दी गई थी नायाब वकील की इनको उपाधि से भी सुसज्जित किया गया था ठीक है साथ ही इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है आपके सिंधिया वंश का इसके अलावा दो इनके बहुत महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं वो है आपका सबसे पहले निर्माण कराया था राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था और तो और इन्होंने ग्वालियर किला जो है उसका जीर्ण उद्धार भी इन्होंने ही कराया था तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो है राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया है और तो और ग्वालियर किले का जो है जीर्ण उद्धार भी इन्होंने करवाया था ठीक साथ ही अब यदि हम बात करते हैं भाई लखेरी युद्ध की हमने बात की थी तो कोजीराव होलकर को पराजित किया था और उसे विजय को दिन को इन्होंने शोक दिवस के रूप में मनाया था इसके अलावा इन्होंने एक लोकेंद्र सिंह नामक व्यक्ति थे जिनको पराजित किया था एक युद्ध में ठीक है तो यहां तक थोड़ा बहुत आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी समझ में आ रही होगी तो वास्तविक संस्थापक जो है सिंधिया वंश के कौन कहे जाते हैं महाजी सिंधे कहे जाते हैं और केवल अगर संस्थापक पूछा जाए तो वहां राणू जी सिंधे जो है वो क्या माने जाते हैं संस्थापक माने जाते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस पे अपन अगले शासक बनने वाले हैं दौलतराव सिंधे अब दौलत राव सिंधे जी का भी जो है युद्ध होने वाला है आपके होलकरों से तो होलकरों से इन्होंने एक युद्ध लड़ा वास्तव में हुआ ये कि दौलतराव सिंधे ने यशवंतराव होलकर के बड़े भाई की हत्या कर दी जिस बात का बदला लेने के लिए अब यशवंतराव होलकर इनसे युद्ध लड़ने वाले हैं तो यशवंतराव होलकर जो थे यशवंतराव वहां भी हमने समझा था उसमें भी यशवंतराव होलकर जो हैं वो युद्ध लड़ने वाले हैं दो लोगों से एक साथ में संयुक्त सेना थी पहला है सिंधिया वंश की सेना या सिंधे वंश की सेना थी जिसमें दौलतराव सिंधे है यहां पर दौलत राव सिंधे और साथ ही यहाँ पर मराठाओं की सेना भी यानी कि पेशवा की सेना भी थी मराठा या पेशवा की सेना भी थी इन दोनों की सेनाओं को उन्होंने इन दोनों की सेनाओं को इन्होंने क्या किया था पराजित किया था और यह युद्ध कहां लड़ा गया था तो यह भी याद रखिएगा यह युद्ध लड़ा गया था पुणे के निकट या पूना के निकट यह युद्ध लड़ा गया था तो पुणे के निकट इनको पराजित किया था यशवंतराव होलकर ने किसको दौलतराव सिंधे और साथ ही पेशवाओं की सेना को पराजित किया अब दौलतराव सिंधे पराजित हो चुके थे एक बार तो इनको अब इंदौर से थोड़ा दूरी बनानी थी तो इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की याद रखिएगा दौलतराव सिंधे यहां ये यह अपनी राजधानी परिवर्तित करेंगे और ये अपनी राजधानी कहाँ लेकर जाने वाले हैं विद्यार्थियों तो याद रखिएगा ये अपनी राजधानी कहां लेकर जाएंगे उज्जैन से ग्वालियर ये अपनी राजधानी लेकर ले के जाने वाले हैं साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि अब जब राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था देखा जाए मध्य प्रदेश में पूरे रूप से ब्रिटिशर्स का साम्राज्य विस्तार होता जा रहा था और तो और आंग्ल मराठा चतुर्थ युद्ध में किसमें आंग्ल मराठा आंग्ल मराठा चतुर्थ युद्ध में मराठाओं की हार हो गई और अब पेशवाओं को जो अंतिम पेशवा हुए बालाजी बाजीराव द्वितीय उनको अब कानपुर के पास बैठूर पर भेज दिया जाता है पेंशन पे जीने के लिए अब यहां से पेशवा जा चुके हैं अब मराठाओं के अधीन थे पहले तो ये अब ये क्या करने वाले हैं अंग्रेजों से संधि करेंगे क्योंकि जितने भी मराठाओं के अधीन रियासतें थी सब अब अंग्रेजों के अधीन जाएंगी और अंग्रेजों से संधि होने वाली है तो अंग्रेजों से इनकी जो संधि हुई उसे ग्वालियर की संधि कहा जाता है यह संधि जो हुई थी वह अठारह अठारह में हुई थी आपके आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इस ग्वालियर की संधि के बाद अब जो सिंधिया वंश है वह अंग्रेजों के अधीन एक रियासत के रूप में रहने वाले हैं कब तक उन्नीस तक जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है ठीक है तो यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो अपने यहां देखा कि दौलतराव सिंधे का युद्ध हुआ यशवंतराव होलकर के साथ पराजित हुए उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन कर ली उज्जैन से कहाँ लेकर चले गए ग्वालियर लेकर चले गए अब इसी बात है अब ये ग्वालियर गए हैं तो यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी कराएंगे अपनी जो नई राजधानी है तो यहाँ पर सबसे पहले यह है लश्कर नामक एक नगर जो है बसाने वाले हैं तो ग्वालियर में जो लश्कर नामक नगर है या क्षेत्र है उसे किसने बसाया था दौलतराव सिंधे ने बसाया साथ ही यहाँ पर एक महाराजवाड़ा जो है यह भी स्थापित करवाएंगे और फूल बाग नामक एक निर्माण कार्य करवाने वाले हैं तो तीन चीजें महत्वपूर्ण है लश्कर नगर महाराजवाड़ा और फूल बाग ये तीनों चीजों का निर्माण इन्होंने कराया था साथ ही इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिस जो है मोतीवाला तो इनको अन्य नाम मोतीवाला के नाम से भी जाना जाता है तो याद रखिएगा इन्हें किस नाम से जाना जाता है मोतीवाला के नाम से भी जाना जाता है तीन निर्माणकार हैं है लश्कर नगर महाराजवाड़ा फूलबाग और राजधानी परिवर्तन हुई है उज्जैन से ग्वालियर के लिए ठीक है चलिए साथ ही यदि हम अगली बात करते हैं कि अब अगले शासक बनने वाले हैं जनकोजी सिंधे अब दौलतराव सिंधे के कोई पुत्र नहीं थे उनके पुत्र ना होने के कारण उन्होंने जो जनकोजी ठीक जी सिंधे द्वितीय को गोद लिया और उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अब उत्तराधिकारी घोषित तो कर दिया लेकिन जिस समय दौलतराव सिंधे का देहांत हुआ उस समय जनको जी सिंधे जिनका मूल नाम हुआ करता था मुकुटराव इनका मूल नाम क्या था मुकुटराव लेकिन इन्होंने शासन किसके नाम पर किया था जनकोजी सिंधे द्वती के नाम से ये शासन करने वाले हैं तो याद रखिएगा तो दौलतराव सिंधे की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक मुकुटराव नामक बच्चे को गोद लिया और उसको गोद लेने के बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित किया लेकिन जब दौलतराव शिंदे का देहांत हुआ उस समय यह आयु कम थी या नाबालिक थे इस कारण जो है अब शासन व्यवस्था यहां पर संभालने वाली हैं कौन बाई तो यहां पर रीजेंट घोषित किया गया दौलतराव सिंधे की पत्नी बाई को तो यहाँ पे अब चालू होने वाला है रीजेंट शासन काल अब बाई के शासन काल को भी ग्वालियर का स्वर्णिम युग के रूप में भी देखा जाता है इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे सबसे पहले यहां पर एक व्यवस्था थी मुक्ता व्यवस्था इस मुक्ता व्यवस्था का अंत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथ ही उसी समय पर ठगी प्रथा जो है उसी समय पर ठगी प्रथा ठगी प्रथा को भी अंत करने में इन्होंने सहायता की थी किसकी कर्नल स्लीमन की कर्नल स्लीमन की स्लीमन की इन्होंने सहायता की थी साथ ही इन्होंने अपना जो राजपाट संभाला था वो अपने भाई की सहायता से संभाला था और इनके भाई थे हिंदू सब ठीक है इनके भाई थे हिंदू सब नामक इनके भाई हुए जिनकी सहायता से इन्होंने राजपाट संभाला था और तो और अपना प्रधानमंत्री इन्होंने बापूजी रघुनाथ को किया था तो पीएम बनाया था इन्होंने बापूजी जी रघुनाथ को बापूजी रघुनाथ को इन्होंने जो है अपना क्या बनाया था एक प्रकार से देखा जाए तो पीएम बनाया था तो रीजेंट शासन करने वाली हैं बाईजा तो इन्होंने जो है एक प्रकार से मुक्ता व्यवस्था समाप्त करी है ठगी प्रथा के अंत में इन्होंने करलम कर्नल स्लीमन की सहायता करी है अपने भाई हिंदू सब की सहायता से इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली थी और बापू रघुनाथ को इन्होंने क्या बनाया था अपना पी या प्रधानमंत्री बनाया था या नियुक्त किया था अब होता यह है कि राजा का नाम तो जनकू जी सिंधे चल रहा है लेकिन वास्तविक रूप में शासन कौन कर रहा है यहाँ पर बाईजाबाई कर रही हैं तो हमने इनके बारे में बात की कि हिंदू सब की सहायता से इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली धार के बापूजी रघुनाथ को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया साथ ही ठगी प्रथा के अंत में इन्होंने जो है कर्नल इसलीमन की सहायता की और मुक्ता पद्धति जो थी प्रथा थी उसको इन्होंने अंत किया था ये सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके अब भाई, भाई शासन व्यवस्था छोड़ी नहीं रही थी वास्तव में सत्ता इनके हाथ पर नाम नाम किसका चल रहा है जनकोजी सिंधे अब उसी समय पर जो है भारत के आपके वायसराय हुआ करते थे आ, के वायसराय हुए उस टाइम पर विलियम बेंटिंग अब विलियम बेंटिंग को जनकोजी सिंधे जो है, है ये पत्र लिखने वाले हैं कि शासक तो मैं हूं लेकिन वास्तविक सत्ता कौन चला रही है, बाए बाए चला रही है। तो कृपया करके आप जो है मुझे वास्तविक सत्ता दिला दे तो अब याद रखिएगा अब वास्तविक सत्ता दिलाने के लिए स्वयं विलियम बेंटिंग कहां आते हैं ग्वालियर आते हैं और ग्वालियर आकर के अब जनको जी को आधिकारिक रूप से घोषणा करते हैं कि अब शासन व्यवस्था कौन संभालेंगे जनको जी सिंधे संभालेंगे क्योंकि यह अब बालिक हो चुके हैं तो इनको पावर देने के लिए स्वयं जो है कौन आ गए थे आए थे ग्वालियर ठीक है विलियम बेंटिंग तो तो भागीरथ जिनका नाम क्या था बेटा भागीरथ राम था यह या तो याद रखिएगा क्या नाम था भागीरथ राम तो भागीरथ राम नामक बच्चे को जनकोजी सिंधे ने अडॉप्ट किया और अपना शासक घोषित कर दिया लेकिन उस समय जो है आपके भागीरथ राम जो हैं वो भी नाबालिग थे तो कुछ समय के लिए अब यहां भी रीजेंट शासन तो में मैं रीजेंट शासन काल जो है कृष्ण राव संभालेंगे कौन संभालेगा कृष्ण राम संभालेंगे और तो और जो है ताराबाई उसके बाद संभालने वाली हैं तो याद रखिएगा यहां पे कुछ है कि वास्तविक नाम जयाजी राव सिंधे का क्या हुआ भागीरथ राम हुआ ठीक है तो इन्होंने शासन किस नाम से किया राव, के नाम से इन्होंने शासन किया साथ ही इन्होंने स्थापत्य कला में विशेष योगदान दिया जो ग्वालियर में आप जय विलास पैलेस देखते हैं तो इस जय जय विलास पैलेस का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था याद रखिएगा तो जो जय विलास पैलेस है इसका निर्माण ग्वालियर में आपके जया जीराव सिंधे ने ही कराया था साथ ही अगर हम बात करते हैं इसकी जो वास्तुकला या आर्किटेक्ट किसने दिया है तो सर माइकल फ्लोस नामक एक व्यक्ति हुए इन्होंने इसका आर्किटेक्ट तैयार किया था यानी कि वास्तुकला यहाँ की दी थी तो निर्माण कार्य किसने करवाया है आपके जयाजी राव सिंधे ने कराया जय जयराव शिंदे ने कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर कराई थी सबसे पहले देखे अपन कि जल बिहार नामक एक महल बनवाया ग्वालियर में इसके अलावा गोरखी द्वार बनवाया था और तो और मोती महल का निर्माण करवाया था अर्थात स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान हम इनका देख रहे हैं इन्होंने ग्वालियर में जय विलास पैलेस का निर्माण करवाया था साथ ही यहाँ पर इन्होंने जो है आपका जल बिहार जल विहार बनवाया साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं मोती महल बनाया और गोरखी द्वार का निर्माण भी इन्होंने यहां पर कराया था तो यदि हम बात कर रहे हैं कि सिंधिया ने बहुत अच्छा शासन किया और स्थापत्य कला में इनका विशेष योगदान यहां पर देखने मिल रहा है तो आइए विद्यार्थियों आगे हम कुछ चीजों को लेकर चलते हैं आगे समझते हैं कि अब जयजी राव सिंधे के पश्चात शासक कौन बनने वाले हैं तो अब जयाजी राव सिंधे के बाद अब अगले शासक बनने वाले हैं माधवराव सिंधे लेकिन जब जयाजी राव का देहांत हुआ उस समय माधवराव भी जो है नाबालिग थे अल्प आयु थे तो उस समय भी कुछ समय के लिए जो है रीजेंट शासनकाल लगाया गया फिर बाद में जो है शासन कौन के हाथ पर आ गया आपके माधवराव सिंधे के हाथ पर आ गया था अब देखा जाए तो माधवराव सिंधे की माता थी कौन जीजाबाई तो जब तक यह बालिक नहीं हो जाते हैं तब तक शासन व्यवस्था किसने संभाली थी जीजाबाई ने संभाला था ठीक है आगे समझते हैं विद्यार्थियों इनको प्रेम से जनता यहां पर राघो महाराज के नाम से भी जानती थी

जीजाबाई तो जीजाबाई प्रारंभ में शासन व्यवस्था संभालेंगी बाद में माधवराव संभालेंगे माधवराव जी को प्रेम से जनता जो है माधव महाराज के नाम से जाना कर कहा करती थी तो माधव महाराज किसे कहा जाता था तो याद रखिएगा माधवराव सिंधे को कहा जाता था साथ ही यहाँ पे इन्होंने एक निर्माण कार्य करवाया कर था इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज जो है उसका निर्माण ग्वालियर में कराया था चलिए इनके पश्चात अब शासक बनने वाले हैं विद्यार्थियों जयाजीराव सिंधे ठीक है तो आपके जीवाजी राव सिंधे जो है अब अगले शासक बन गए जब ये शासक बने तब ये भी नाबालिग थे अब नाबालिक होने कारण फिर से रीजेंट शासन काल लगाया जाएगा और कुछ समय तक इनकी माता आपका चिन चिनकू राजे सिंधिया कुछ समय तक इनका शासन व्यवस्था संभालने वाली हैं ठीक है कुछ समय के लिए क्या संभालेंगी शासन व्यवस्था यहाँ पर संभालेंगी साथ ही यदि हम बात करते हैं कुछ निर्माण कार्य करवाए हैं जैसे कि गजरा राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनवाया था और तो और माधव इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने यहाँ पर की थी और तो और कमला राजे कन्या विद्यालय कमला राजे कन्या महाविद्यालय का निर्माण भी इन्होंने यहाँ पर कराया अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काल हम देख रहे हैं किसका जीवाजी राव सिंधे का यहाँ पर देख रहे हैं साथ ही यदि हम बात करते हैं जीवाजी राव सिंदे जो है अंतिम शासक थे इन्हीं के समय जो है अब भारत आज़ाद हुआ इन्होंने टीटी ऑफ -टी एक्सेशन अर्थात विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो इन्होंने 23 जनवरी 1948 को याद रखिएगा 23 जनवरी 1948 को विलय पत्र अर्थात टीटी ऑफ -टी एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर के साथ ही अब जो है ये क्या बन चुके थे अब रियासत जो है विलित हो चुकी थी किसमें आपके मध्य प्रदेश के पार्ट ए में जिसमें कुछ समय के लिए ग्वालियर जो है राजधानी छह महीने और आपका इंदौर महीने ऐसे राजधानी पर बनाई जाती थी, ठीक है तो महीने महीने राजधानी परिवर्तन हुई तो याद रखिएगा इसका विलय कब हो गया था तो तेईस जनवरी 1948 को इसका विलय कर दिया गया था भारतीय संघ में आगे बात करते स्थापत्य कला एक बार फिर से हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज कैसे कैसे शासक पढ़े और कैसे कैसे शासकों ने क्या क्या काम करवाया कौन कौन से शासक थे महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले हमने देखा कि आपके राणो सिंधे जो है इन्होंने स्थापना करवाई जो कि परिवार के थे कहां के कन्हार खेड़ा के थे साथ ही इनको जो है सनद प्राप्त हुई थी कहां की उज्जैन की इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया साथ ही इन्होंने जो है सिंहस्थ स्टार्ट करवाया था और तो और इन्होंने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था राणू जी सिंधे ने साथ ही अगली बात कर लेते बिट्टा कि हमने यहाँ पे जंपा जी सिंधे बनेंगे जिनका ए, 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 जिनकी हत्या कौन कर देंगे विजय सिंह कर देंगे उसके बाद उनके भाई शासक बनने वाले हैं आपके दत्तोजी सिंधे दत्तोजी सिंधे की भी हत्या मृत्यु हो जाएगी कब आपके शुक्रताल में इसके बाद आपके अगले शासक बनने वाले हैं जनकोजी सिंधे प्रथम फिर हम देखते हैं महाजी सिंधे शासक बने महाजी सिंधे की महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमने देखी थी कि सबसे पहले वास्तविक संस्थापक ये माने जाते हैं साथ ही इनका अन्य नाम था मोती सॉरी नया वकील के नाम से भी इनको अन्य नाम से जाना जाता है

इंदौर के शासक तुकोजीराव होलकर से जिसपे विजित हुए लेकिन विजय होने के बाद भी इन्होंने शोक दिवस मनाया था इसके बाद हमने पढ़ा दौलतराव सिंधे दौलतराव सिंधे जो है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है स्थापत्य कला में इन्होंने लश्कर नगर बसाया था महाराजवाड़ा का कराया, फूल बाग का निर्माण निर्माण कराया, कराया, इसके अलावा इनका युद्ध हुआ था किसके साथ में यशवंतराव होलकर के साथ यशवंतराव होलकर से यह पराजित होंगे अपनी राजधानी परिवर्तन कहां करने वाले हैं उज्जैन में कर लेंगे उज्जैन से ग्वालियर करने वाले हैं साथ ही इन्होंने ग्वालियर की संधि की थी अंग्रेजों के साथ में उसके बाद हमने बना जनकोजी जी सिंधे को पढ़ा जनकोजी जी सिंधे का मूल नाम मुकुटराव था इनके समय पर रीजेंट कौन बनी बाइजाबाई बनी बाइजाबाई ने मुक्ता प्रथा समाप्त करी थी साथ ही अपने भाई हिंदू सब की सहायता से इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री इन्होंने बापूजी रघुनाथ को बनाया साथ ही इनके समय पर जो है ठगी प्रथा के अंत पर इन्होंने सहायता की थी कर्नल इसलीमन की इसके बाद हमने देखा जया जी राव सिंधे आपके जया जी राव सिंधे बनने वाले हैं अच्छा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह कि जयाजीराव सिंधे के समय पर ही 1857 की रिवॉल्ट होने वाली है जब 1857 की क्रांति होगी उस समय आक्रमण यहां पर ग्वालियर से क्रांति कौन करने वाली है रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई जो है यहां से क्या कर रही थी आंदोलन कर रही थी जिस समय ग्वालियर आती हैं तो ग्वालियर की सेना किसके साथ में हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई के साथ में हो जाती है इवन जो ग्वालियर घराने के खजानची थे उन्होंने ग्वालियर घराने का खजाना किसके लिए खोल दिया था रानी लक्ष्मीबाई के लिए उस समय पर जैसे ही यहाँ से क्रांति करने पहुँचती हैं और जयाजी राव को जो है ग्वालियर छोड़ करके आगरा जाना पड़ जाता है तो यह ग्वालियर छोड़ करके आगरा चले गए थे अट्ठारह की क्रांति के दौरान और ग्वालियर से क्रांति कौन करने वाली हैं रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से क्रांति करने वाली हैं इसके अलावा हमने देखा कि जयविलास निर्माण करवाया है साथ ही यहां पे आपके जल बिहारी का निर्माण कराया है गोरखी द्वार का और साथ ही मोती महल का भी निर्माण इन्होंने करवाया था फिर हमने पढ़ा माधवराव सिंधे जी के बारे में माधवराव सिंधे की माता हुई जीजाबाई साथ ही इनके कुछ महत्वपूर्ण यदि बात करते हैं तो इनके कुछ निर्माण हैं जैसे कि विक्टोरिया कॉलेज का निर्माण कराया जनता इन्हें माधव महाराज के नाम से जानती थी अंतिम शासक हैं आपके जीवाजीराव शिंदे सिंधे जीवाजीराव राव सिंधे जो है इन्होंने गजरा राजे मेडिकल कॉलेज खोला था साथ ही माधव इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया और कमला राजे कन्या महाविद्यालय की स्थापना की थी ठीक है इसके अलावा इन्होंने 23 जनवरी 1948 को टीटी ऑफ -टी फिक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और ये जो है अब रियासत भारत में विलय हो चुकी थी अगली बात करते हैं स्थापत्य कला पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जय विलास पैलेस की तो जय विलास पैलेस का निर्माण हम बात कर जो किसने किया था आपके सिंधे ने करवाया था साथ ही यहाँ पर वास्तुकला जो है वो किसने दी थी माइकल फिरोज ने जो है इस प्रकार से यहाँ पर आपकी इसकी वास्तुकला दी थी साथ ही यह इटालियन जो शैली है इटालियन शैली पर यह पूरा पैलेस बनाया गया है अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्थित आपके विक्टोरिया भवन की तो यह कहाँ विक्टोरिया भवन यह ग्वालियर में स्थित है और वास्तव में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर आपके विक्टोरिया भवन का निर्माण कराया गया था ठीक है और एक और महल है जॉर्ज कैसल महल जॉर्ज कैसल महल का निर्माण भी जो है कब कराया गया था यह निर्माण जब जॉर्ज पंचम आए थे उस समय पर इसे जो है आपके शिवपुरी के, के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है ये कहाँ पर है अभी माधव राष्ट्रीय उद्यान में है और इसे भी किसने बनाया था आपके जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था और इसे विक्टोरिया महल को भी किसने बनवाया था आपके जीवाजी राव सिंधिया ने ठीक है अगली बात कर लेते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर कि मोती महल जो है मोती महल का जीर्णोद्धार कौन ने बनवाया किसने था आपके जीवाजी राव सिंधे ने करवाया था अच्छा जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तो हमने बताया राजधानी छह महीने जो है कहाँ रहा करती इंदौर छह महीने ग्वालियर तो उस समय जितने भी विधानसभा जो थी वो कहाँ पर आयोजित की जाती थी तो मोती महल में ही यहाँ पर विधानसभा आयोजित की जाती रही मध्य प्रदेश के गठन तक मतलब कि नाइनटीन तक अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कुछ छत्रियाँ हैं जैसे राणू जी सिंधे की छतरी कहाँ पर है सुजालपुर पर है दौलतराव सिंधे की कहाँ पर है ये छतरी बाग ग्वालियर में है गजराज राजे सिंधिया की कहाँ पर है ग्वालियर में है सांख्य राजे सिंधिया की कहाँ है ग्वालियर में इसके अलावा यदि हम बात करते हैं माधवराव सिंधिया जी की कहाँ है शिवपुरी में जीवाजी राव सिंधिया जी की कहाँ है ग्वालियर पे तो यह महत्वपूर्ण छत्रियाँ हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस छत्री कौन सी छत्री कहाँ पर स्थापित है चलिए तो इसके साथ ही आज हमारी यह सिंधिया रियासत कंप्लीट होती है और अब हम कल अगली रियासत लेकर आएंगे बुंदेलखंड की रियासतें तो बुंदेलखंड की रियासतों में हम पढ़ने वाले हैं आपकी ओरछा रियासत पन्ना रियासत तो थोड़ा सा बड़ी रियासत के रूप में वहाँ देखेंगे हम बहुत सारे छोटी छोटी रियासतें हैं जो बुंदेलखंड में स्थापित हुआ करती थीं तो उन सब पर हम बात करने वाले हैं जैसे ओरछा रियासत पन्ना रियासत दतिया रियासत तो जितनी भी रियासतें बुंदेलखंड में थी उन सब पर कल हम बात करेंगे तो चलिए आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं फिर कल मुलाकात होगी कल मिलते हैं जय हिंद जय भारत